Hello children, today we are going to deal with conservation of resources. In the previous video we have already discussed resource planning in India और वहाँ पे मैंने तुम्हें याद करने के लिए कुछ कहा भी था और साथ में वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सिर्फ रिसोर्स होना कोई जगह में काफ़ी नहीं, अगर हम डेवलपमेंट चाहे तो रिसोर्स के साथ साथ क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होना चाहिए, साथ में लोगों में स्किल होना चाहिए और हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी वैसे आने चाहिए तो तभी जाके क्या हो पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ऐसे करके हमने देखा कि कोई जगह में हो सकता है बहुत सारा रिसोर्स मिल रहा है लेकिन हो सकता है वो जगह क्या ना हो, डेवलप ना हो, हो सकता है ऐसे करके हमने देखा था कि कोई जगह में हो सकता है रिसोर्सेज ना हो लेकिन फिर भी वो जगह डेवलप हो। और ऐसे करके हमने पढ़ा था कि जो कॉलोनाइजर्स थे जो इंडिया में आए थे तो उनको वो जो इंडिया को कब्जा करने के लिए आए, यानी कि जो उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाया था तो उनके पीछे मेन मकसद क्या था कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो उनको क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए वो उन्होंने इंडिया को क्या बनाया, अपना कॉलोनी बनाया। और आगे आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करना, यानी कोई चीज़ को बचा के रखना। तो अब आगे पढ़ते, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिसोर्सेज बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी किस्म के डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए। अगर हम किसी भी किस्म का विकास चाहे तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बताया गया है, बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे याद रखना है कि इरेशनल कंजम्पशन करने पर जो बिना सोचे समझे, यानी कि समझ के नहीं बिना समझे हुए जो लोग यूज़ करते हैं, तो ये हो गया इरेशनल कंजम्पशन। और ओवर यूटिलाइजेशन कहने पर एक्सेस मात्रा में जब हम इस्तेमाल करते हैं रिसोर्सेज को, तो इससे हमें क्या हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। जैसे बोला गया सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी कि सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम हम फेस करना पड़ सकता है हमें, और साथ में बोला गया इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें जूझने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कि हमने पहले से पढ़ रखा है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये जो लैंड डिग्रेडेशन, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तो ये सब चीज़ें हमने पहले से पढ़ रखा है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोला गया है कि अगर हम इरेशनल कंजम्पशन करेंगे या फिर ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का, तो इससे क्या हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकता है या फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें फेस करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आगे बताया गया है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पोर्टेंट। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को से जीत हासिल करने के लिए, इन्हीं प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है, हमें रिसोर्स प्लानिंग करना है डिफरेंट लेवल्स पे, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, रीजनल लेवल पे, या तुम्हारे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसी वजह से बोला गया है क्या करने के लिए, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। कौन सा प्रॉब्लम की बात करनी हो, तो मैं यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उनको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स कंजर्वेशन करना पड़ेगा अलग अलग लेवल्स पे। तो मैंने अभी कौन से लेवल्स की बात किया, मैंने लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। आगे बताया गया है, दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये क्या था, मुख्य चिंता का विषय था किसका, तो यहाँ पे बोला गया जो लीडर्स थे, जो थिंकर्स थे पास्ट में, उनके लिए भी ये सोचने का विषय था। क्या सोचने का विषय था, तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ये जो रिसोर्स कंजर्वेशन है वो चिंता का विषय बना था किसके लिए, तो ये जो पास्ट में जो थिंकर्स थे, लीडर्स थे, उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग इज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ड्स। तो गांधी जी सही थे जब उन्होंने क्या किया, अपने जो कंसर्न थे यानी कि जो उनका चिंता था उन्होंने जाहिर किया था इन शब्दों के द्वारा। तो देखते हैं क्या था उनका शब्द, तो यहाँ पे बोला गया है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। तो ये गांधी जी मानते थे कि हमारे धरती में इनफ है यानी काफ़ी है सभी के जरूरत के लिए, लेकिन काफ़ी नहीं है किसी के भी लालच के लिए। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. तो उन्होंने जो रिसोर्स घट रहा था ग्लोबल लेवल पे, यानी दुनिया भर में जो रिसोर्स घट रहा है उसके पीछे किसको जिम्मेवार ठहराया, तो उन्होंने इसके पीछे किसको जड़ कहा, तो उन्होंने इसके पीछे यानी कि जो रिसोर्सेज के घटने के पीछे उन्होंने जिम्मेवार ठहराया किसको, तो लालची लोगों, ग्रीडी लोगों को,
और साथ में सेल्फिश इंडिविजुअल्स को, ग्रीडी एंड सेल्फिश लोगों को, और साथ में बोला गया है कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका जो एक्सप्लोइटेटिव नेचर, एक्सप्लोइटेटिव मतलब जो फायदा उठाने वाला जो नेचर है उसको उन्होंने जिम्मेवार ठहराया है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला गांधी जी ने किसको ये रिसोर्स डिप्लीशन के पीछे जिम्मेवार ठहराया है ग्लोबल लेवल पे। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि उन्होंने ग्रीडी लोगों को, जो ग्रीडी मतलब जो लालची लोग होते हैं, सेल्फिश यानी कि जो खुद के बारे में सिर्फ सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को, और साथ में जो एक्सप्लोइटेटिव नेचर यानी कि जो फायदा उठाने वाला जो नेचर हमें देखने को मिलता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, उसको उन्होंने क्या किया, जिम्मेवार ठहराया है। तो आगे बोला गया है कि ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन ऑफ द मासेस। तो यहाँ पे याद रखना है गांधी जी किसके खिलाफ थे, तो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। मास प्रोडक्शन का मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करने के वो खिलाफ थे। जैसे कि जो फैक्ट्रीज में हम प्रोडक्शन करते तो हम लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्शन करते, तो ऐसे प्रोडक्शन के वो खिलाफ थे। कौन खिलाफ थे मास प्रोडक्शन के, तो यहाँ पे हम बात करें गांधी जी के। लेकिन उन्होंने क्या सपोर्ट किया था, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो सपोर्ट करते थे प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी कि वो चाहते थे कि प्रोडक्शन की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो, इन्वॉल्व हो। ऐसे करने पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा। इसलिए वो किसको सपोर्ट करते थे, प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम करके कोई प्रोडक्शन करेंगे, तो ऐसे वाला प्रोडक्शन को वो सपोर्ट करते थे। क्योंकि ऐसा वाला प्रोडक्शन क्या जेनरेट करता है, तो मैंने जैसे अभी बोला, इससे एम्प्लॉयमेंट जेनरेट होता है। तो वो यानी गांधी जी मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने किसको सपोर्ट किया था, प्रोडक्शन बाय द मासेस को। प्रोडक्शन बाय द मासेस मतलब ज़्यादा मात्रा में लोग जो काम करके जो प्रोडक्शन करेंगे, वैसे प्रोडक्शन से वो उन्होंने सपोर्ट किया था। तो आगे यहाँ पे बोला गया है कि एट द इंटरनेशनल लेवल, तो इंटरनेशनल लेवल में द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। तो इंटरनेशनल लेवल में द क्लब ऑफ रोम ने क्या किया था, उन्होंने सपोर्ट किया था, पब्लिकली सपोर्ट किया था किसको, तो रिसोर्स कंजर्वेशन को पहली बार थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीका में, कौन से साल में, 1968 में। तो ये तुम्हें याद रखना है कि फर्स्ट टाइम मोर सिस्टमेटिक तरीके से किसने रिसोर्स कंजर्वेशन को एडवोकेट किया था, यानी कि उन्होंने सपोर्ट किया था। तो तुम्हें याद रखना है क्लब ऑफ रोम ने, कौन से साल में, 1968 में। तो आगे बोला गया सब्सिक्वेंटली, मतलब सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, इन 1974, तो 1974 में गांधीयन फिलोसॉफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय स्कूमेकर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो अगर कभी पूछा जाए कि ये जो 1974 में कौन से वाले बुक में ये गांधी जी का जो फिलोसॉफी था, उनका जो सिद्धांत था, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनका जो विचार था, वो कौन से वाले बुक में रिफ्लेक्ट हुआ था, तो यहाँ पे बोला गया है कि गांधी जी का जो फिलोसॉफी था उसको फिर से एक बार प्रेजेंट किया गया था स्कूमेकर ने अपने बुक में, उनका बुक का नाम था स्मॉलेस्ट ब्यूटीफुल। तो कौन से साल की बात करें, 1974। आगे बोला गया है कि द सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वॉज मेड बाय द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट इन 1987। तो यहाँ पे बोला गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रीब्यूशन, सेमिनल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुख्य जो कॉन्ट्रीब्यूशन था किसको लेकर, तो रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर ग्लोबल लेवल पे किसने किया था, तो ये ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने किया था। कौन से साल में, तो 1987 में। तो यहाँ बोला गया दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन विच वॉज लेटर पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। तो यहाँ पे ये जो रिपोर्ट की बात करें हम, जो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, यहाँ पे क्या कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। हमने पहले से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है हमने पढ़ रखा है, हमने बोला था एक ऐसा डेवलपमेंट जिससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो और साथ में आने वाली जो जनरेशन है उनके भी नीड्स को ध्यान में रख के डेवलपमेंट किया जाए, उसको हम क्या करते कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि ये जो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट है उसमें पहली बार क्या किया गया था, कॉन्सेप्ट ये जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और बोला गया कि इसने एडवोकेट किया था कि ये जो इसको सपोर्ट किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट किया था क्या हासिल करने के लिए, तो रिसोर्स कंजर्वेशन को हासिल करने के लिए। और ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट था इसको फिर से पब्लिश किया गया था लेटर ऑन, कौन से बुक में, तो आवर कॉमन फ्यूचर नाम के बुक में। Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil, in 1992. तो ये जो resource conservation को लेकर एक दूसरा क्या है यहाँ पे बोला गया contribution, यानी कि योगदान, बहुत ही important योगदान किसने किया था, तो ये Earth Summit ने किया था जो Rio de Janeiro, Brazil में हुआ था 1992 में, जिसके बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है, जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था Agenda 21 के बारे में भी। तो यहाँ पे वही चीज़ फिर से mention किया गया है।
तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, और हमने जाना कि रिसोर्स कंजर्वेशन करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम रिसोर्सेज को क्या करेंगे, इरेशनली और एक्सेसिव मात्रा में यूज करेंगे, तो इससे हमें क्या हो सकता है, हमें सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें फेस करने की आवश्यकता पड़ सकती है। और साथ में हमने जो गांधी जी था उनका भी जो ओपिनियन था उसके बारे में भी हमने पढ़ा, और साथ में हमने देखा कि ये जो इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा बॉडी था, यानी कि जो क्लब ऑफ रोम था, उन्होंने सबसे पहले सपोर्ट किया था रिसोर्स कंजर्वेशन को। और आगे बढ़ते हुए हमने जो तुम्हारा जो 1992 का जो अर्थ समिट था उसके बारे में हमने पढ़ा, और यहाँ पे हमने कुछ और बुक्स के बारे में पढ़े, जैसे कि स्मॉल ब्यूटीफुल, जहाँ पे गांधी जी का जो फिलोसॉफी था उसको मैकर ने लिखा था, उसके बारे उसके उसको वहाँ पे लिखा था। और साथ में जाके हमने यहाँ पे पढ़ा किसके बारे में, ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 के बारे में पढ़ा, और इससे जुड़ा हुआ वहाँ पे हमने देखा कि ये जो रिपोर्ट था इसने इंट्रोड्यूस किया था कौन से कॉन्सेप्ट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को, और बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, तो रिसोर्स कंजर्वेशन कर सकते हैं। और हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो ये जो थ्योरी था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, ये कौन से बुक में पब्लिश हुआ था, तो हमने पढ़ा कि ये आवर कॉमन फ्यूचर नाम की बुक में इसको पब्लिश किया गया था। सो वी स्टडीड ऑल दिस थिंग टुडे, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू डिस्कस लैंड रिसोर्सेज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।